फ्रेंड्स, संस्कृत अनुवाद के लिए शब्द रूप सीखने के क्रम में आज हम सीख रहे हैं रिकरण पुल्लिंग कर्त्री शब्द। कर्त्री का अर्थ होता है करने वाला। ये रिकरण शब्द है जो कि त्रिच प्रत्यय से बना है। जितने भी रिकरण पुल्लिंग शब्द होंगे सभी इसी के समान चलेंगे, कुछ एक शब्द को छोड़ करके, वो हम आगे देखते हैं। तो एक बार हम वापस कारक चिन्हों का वापस अभ्यास करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। बस इन विभक्तियों में शब्द रूप याद करने हैं। कर्ता कर्ता रौ कर्ता रह कर्तारम कर्ता रौ कर्तृन कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभि कर्त्रे कर्तृभ्याम कर्तृभ्य कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्य कर्तुः कर्त्रः कर्तृणाम कर्तरी कर्त्रः कर्तृषु। इसी के स्थान पर हम बोलेंगे वक्त्री। वक्त्री का अर्थ होता है बोलने वाला। वक्ता वक्तारौ वक्तारः वक्तारं वक्तारौ वक्तृन वक्त्रा वक्तृभ्याम वक्तृभि। दोनों में अंतर है बच्चों, ये री ऋषि में बड़ी है और ये छोटी है। तो कर्तारम कर्तारो कर्त्रीन कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभि ऐसे बोलेंगे। ऐसे ही वक्ता वक्तारो वक्तारः वक्तारम वक्तारो वक्तृन वक्त्रा वक्तृभ्याम वक्तृभि वक्त्रे वक्तृभ्याम वक्तृभ्य वक्तुः वक्तृभ्याम वक्तृभ्य वक्तुः वक्त्रः वक्तृणाम वक्तरी वक्त्रः वक्तृषु। संस्कृत बहुत आसान है। और भी जैसे पठित्री पढ़ने वाला, रक्षित्री रक्षा करने वाला, दात्री दाता दातारौ दातारः दातारं दातारौ दात्रीन दात्रा दात्रीभ्याम दात्रीभिः दात्रे दात्रीभ्याम दात्रीभ्यः दातृः दातुः दात्रीभ्याम दात्रीभिः दातुः दात्रः दात्रीणाम दात्री दात्रः दात्रीषु। अब हम इनके अर्थ देख लेते। कैसे? कर्ता कर्तारौ कर्तारः एक कर्ता ने, दो कर्ताओं ने, सभी कर्ताओं ने कर्तारं कर्तारौ कर्त्री एक कर्ता को, दो कर्ताओं को, सभी कर्ताओं को। कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः एक कर्ता से के द्वारा, दो कर्ताओं से के द्वारा, सभी कर्ताओं से के द्वारा। कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः एक कर्ता के लिए, दो कर्ताओं के लिए, सभी कर्ताओं के लिए। कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः एक कर्ता से अलग, दो कर्ताओं से अलग, सभी कर्ताओं से अलग। कर्तुः ये हमारी षष्ठी विभक्ति बच्चों। कर्तुः कर्त्रः कर्तृणाम एक कर्ता का, दो कर्ताओं का, सभी कर्ताओं का। कर्त्री कर्त्रः कर्तृषु एक कर्ता में, दो कर्ताओं में, सभी कर्ताओं में। कुछ एक महत्वपूर्ण बात है, ज्यादातर शब्दों के रूप एक समान चलते हैं। जैसे तृतीया द्विवचन, जो द्विवचन होता प्रत्येक का, किस किस का, तृतीया चतुर्थी और पंचमी भ्याम 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 लगते हैं, तो इस प्रकार भी हम याद कर सकते हैं इनको। लेकिन रिकारांत जितने भी शब्द हैं त्रिच जो प्रत्यय से बने हैं वो कर्त्री के समान चलते हैं। लेकिन कुछ शब्द हैं जैसे भ्रातृ पितृ देवरी जमात्री, इनमें जो प्रथमा और द्वितीय है ये अलग चलते हैं, शेष कर्त्री के समान ही चलते हैं। कैसे? जैसे पितृ शब्द है पिता पितरौ पितरः द्वितीय क्या बनेगी पितरम पितरौ पितृन। इसी प्रकार भ्रातृ जो भाई अर्थ होता है भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः भ्रातरम भ्रातरौ भ्रातृन। ऐसे ही एक शब्द होता है नृ। ये नृ शब्द है, इसका अर्थ होता है मनुष्य। ना नरौ नरः नरम नरौ नृन ये शेष सभी कर्त्री के समान चलेंगे। जैसे पित्रा पितृभ्याम पितृभिः पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पित्रौ पितृणाम पितरी पित्रः पितृषु। ऐसे ही इसी क्रम में हम एक महत्वपूर्ण चीज सीख लेते हैं बच्चों। हमारा हम सीख रहे हैं रिकरण पुल्लिंग शब्द।
हमारा एक शब्द है मात्री जो कि स्त्रीलिंग होता है, लेकिन इसके रूप भी इसी प्रकार चलते हैं। कैसे? दो विभक्तियों में अलग है, प्रथमा एवं द्वितीय में। कैसे? माता मातरो मात्र है, मातरम मातरो मात्री ही, इसमें मात्र ही बनता है। शेष मात्रा मातृभ्याम मातृभि भी, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मात्रो मातृणाम, मातरी मात्रो मातृषु। संस्कृत बहुत आसान है। ये हमारे रिकारांत शब्द हैं। अब इनका अभ्यास करना है हमें, ताकि जब हम अनुवाद करेंगे, अनुवाद में प्रयोग करेंगे, तो ये हमारे अच्छे से याद हो जाएंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम इसे आगे के शब्द रूप सीखेंगे।